हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डेलगोना कॉफ़ी, जिसे हम छोटे होते से बचपन से पीते आ रहे हैं, हर घर में बनती है। फेंटी कॉफ़ी कहते हैं इसे इंडिया में। इसे फेमस कैसे किया? इसे फेमस किया एक साउथ कोरियन एक्टर ने, उन्होंने मकाऊ में पी थी और फिर वो इसे साउथ कोरिया लेके आए, उन्होंने एक टीवी शो पे दिखाई, वहाँ से ये फेमस हुई है। अगर आपके पास इस कॉफ़ी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, 3 चम्मच चीनी और 1.5 से 2 चम्मच हल्का गुनगुना पानी। इस वीडियो में हम 2 तरह से कॉफ़ी बनाएंगे, तो पहले हम बिना मशीन के बनाते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, इसमें मिलाएंगे हम 3 चम्मच चीनी और फिर इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच हल्का गुनगुना पानी। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी डालिए। अब हमें इसे फेंटना है। इसके लिए अब हम एक विस्क लेंगे और इसे फेंटना शुरू करेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप एक चम्मच या फॉर्क लीजिए और आप उसी से फेंटना शुरू कीजिए। हमें इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक फेंटना है। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे, इसका रंग हल्का होता जाएगा और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इस कंसिस्टेंसी तक पहुँचने के बाद हमें इसे 15-20 सेकेंड के लिए ही और फेंटना है। अब कॉफ़ी ने विस्क को होल्ड करना शुरू कर दिया है, मतलब विस्क उठाने पर कॉफ़ी नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब हमारी ये कॉफ़ी रेडी हो गई है। अब हम यही कॉफ़ी मशीन या इलेक्ट्रिक बीटर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, इसमें मिलाएंगे हम 3 चम्मच चीनी और फिर इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच हल्का गुनगुना पानी। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी डालिए। अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड मिक्सर से मीडियम स्पीड पर 4-5 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। कॉफ़ी व्हिप करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें इसे सही कंसिस्टेंसी आने तक व्हिप करते रहना है। अगर हम इसे वहाँ तक व्हिप नहीं करेंगे तो ये कॉफ़ी दूध पर फ्लोट नहीं करेगी। ये देखिए कॉफ़ी ने कैसे मशीन को होल्ड करके रखा हुआ है, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारी कॉफ़ी व्हिप हो गई है, तो अब चलिए इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। मैं आपको ये कॉफ़ी 2 तरीके से सर्व करके दिखा रही हूँ। पहले स्टाइल में हम एक कप या ग्लास लेंगे और उसमें ऐसे चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप इस दूध में पहले से चीनी मिक्स करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी व्हिप करी हुई कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी की कंसिस्टेंसी है हमें ऐसी ही रखनी है। अगर हम पतली रखेंगे तो वो दूध में डालते ही मिक्स हो जाएगी, और अगर हम इससे भी गाढ़ी कर लेंगे तो वो हमारे चम्मच से ही नीचे नहीं उतरेगी। हल्के हल्के हाथों से इस कॉफ़ी में स्वर्ल्स बना लेंगे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। हमारी कोल्ड कॉफ़ी स्टाइल डेलगोना कॉफ़ी रेडी है। सेकेंड सर्विंग स्टाइल के लिए हम एक कप में दूध लेंगे। अब हम इसमें अपनी व्हिप की हुई कॉफ़ी डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से व्हिप हुई है, कैसे दूध के ऊपर जाके फ्लोट कर रही है ये कॉफ़ी। हमारी सेकेंड सर्विंग स्टाइल की कॉफ़ी भी रेडी है, अब इसे गार्निश करते हैं। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ चॉकलेट चंक्स के साथ। आप चाहें तो इस पर कोको पाउडर या चॉकलेट चिप्स कुछ भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेहा स्पाइस गली में। तब तक के लिए बाय।